बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त धमाल देखने को मिल रहा है। साल के अंत तक कई बड़े बजट की फिल्में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार हो रही हैं। शाहरुख खान की डोंकी से लेकर प्रभास की सालार और रणबीर कपूर की एनिमल तक कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं। वहीं प्रभास की फिल्म सालार की सीधी टक्कर शाहरुख खान की डोंकी से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान अपनी फिल्म डोंकी को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में हैं। संभावना है कि शाहरुख अपनी फिल्म रिलीज में देरी कर सकते हैं। फिल्म ट्रेड विश्लेषकों ने भी राय जताई है कि अगर दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी तो भारी नुकसान होगा। इसीलिए शाहरुख खान सालार से सीधे मुकाबले से बचने के लिए अपनी फिल्म डोंकी की रिलीज में देरी कर सकते हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की डोंकी दिसंबर 2023 की बजाय अगले साल की शुरुआत यानी 2024 में रिलीज हो सकती है। इससे दो बड़े बजट की फिल्मों से सीधी टक्कर भी नहीं होगी और नए साल में एक बार फिर शाहरुख खान का जादू देखने को मिलेगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने साल 2023 की धमाकेदार शुरुआत की है। ऐसे में नए साल में भी उनकी फिल्म से उम्मीदें हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज टालने को लेकर शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या राजकुमार हिरानी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि यह घोषणा जल्द ही हो सकती है। शाहरुख खान की डोंकी और प्रभास की सालार 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। दोनों फिल्मों की रिलीज का ऐलान पहले ही हो चुका है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आखिर शाहरुख खान क्या फैसला लेंगे।